तो दोस्तों जब से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो आपसे टेट परीक्षा ली जाती है, जिसे हम सी टेट बोलते हैं, जब से उसकी एग्जाम डेट अनाउंस हुई है, तो उसी के साथ साथ जो राज्य स्तरीय यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो आपकी टेट परीक्षा ली जाती है, उसकी प्रक्रिया भी धीरे धीरे स्टार्ट होने लगी है। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में जो आपसे टेट परीक्षा ली जाती है यूपी टेट, उसका नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिलेगा, उसका एग्जाम कब तक होगा और उसकी वैलिडिटी के विषय में भी चर्चा कर लेंगे। बाकी दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है सी टेट पेपर वन फ्री लाइव क्लास सीरीज, जो कि आपकी 12 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें सी टेट पेपर वन में जो भी आपका सिलेबस निर्धारित किया गया है उसके अंतर्गत जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से आपके सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कराए जाएंगे और इसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेम आपको सी टेट पेपर टू फ्री लाइव क्लास सीरीज देखने को मिल जाएगी, जो कि आपकी 14 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें भी दोस्तों सी टेट पेपर टू के लिए जो भी सिलेबस निर्धारित किया गया है उसके अंतर्गत जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से आपके सारे के सारे टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे और इसका भी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको सी टेट मेसअप पेडागोजी सीरीज बाई हिमांशी सिंह भी देखने को मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल आपकी फ्री होगी। ये आपकी 11 नवंबर 2020 से लेकर 20 नवंबर 2020 तक चलेगी और इसका भी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे सी टेट संबंधित सारी फ्री क्लासेस तो ले ही पाएंगे, अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अनअकैडमी प्लस का एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद टेट संबंधित जितनी भी आपकी परीक्षाएं हैं यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट इत्यादि, इनके सभी क्लासेस को आप अटेंड कर पाएंगे। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से आपका ऑनलाइन क्लासेस होंगी, पूरा का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और एक ऐसा सेशन रखा जाएगा जिसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं उन्हें दूर किया जाएगा। लाइव टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा। बाकी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से टेट परीक्षा को लेकर आपका सही समय पर उचित दिशा में मार्गदर्शन भी किया जाएगा। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करें, इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों जब हम यूपी टेट की बात करते हैं तो जो इनकी ऑफिशियल मीटिंग हुई थी उसके अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि जो आपका यूपी टेट का एग्जाम है वो आपका फरवरी के लास्ट वीक तक हो जाएगा, यानी कि 31 जनवरी 2021 में आपकी सी टेट की परीक्षा होगी और फरवरी के लास्ट वीक यानी 2021 में आपकी यूपी टेट की भी परीक्षा हो जाएगी। बाकी जब हम इसके नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको पता होगा इसके नोटिफिकेशन और एग्जाम में लगभग 3 से 4 महीने का आपको समय मिलता है, लेकिन कोविड-19 के चलते जैसी भी हमें समस्या देखने को मिल रही है उससे आप भली भांति परिचित है, ठीक है। तो जो 3 महीने वाला रेशियो है दोस्तों शायद इस बार ये ना हो पाए, ठीक है। तो जो उसका नोटिफिकेशन है ये आपका नवंबर तक मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो दिसंबर में आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और जो फरवरी 2021 में आपका यूपी टेट का एग्जाम होगा वो दोस्तों यूपी टेट 2020 का एग्जाम होगा, ठीक है। आप यूपी टेट 2021 मत उसे लेके चलना, जो आप सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास आएंगे या मार्कशीट वगैरह आएगी तो उसमें यही होगा कि आपने यूपी टेट 2020 को क्वालिफाई किया, ठीक है। तो फॉर्म आपके 2020 में ही निकल जाएंगे, नवंबर में निकल गए अच्छी बात है, नहीं तो दिसंबर तक आपको इसके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो आपका एग्जाम लिया जाएगा वो 2021 के फरवरी के लास्ट वीक तक इसमें आपका एग्जाम भी ले लिया जाएगा। बाकी दोस्तों एक बात से मैं आपको निश्चित रूप से अवगत कराना चाहूंगा, जो भी वर्तमान समय में ह्यूमन मैलवेयर फैला हुआ है अगर इसके चलते स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है, तो चाहे हम सी टेट की बात करें या फिर यूपी टेट की बात करें, निश्चित रूप से उसकी एग्जाम डेट को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। अब जब हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं फिर ऑनलाइन आवेदन करने की बात करते हैं, उसमें तो खास समस्या देखने को नहीं मिलती, उसमें तो आप आराम से अपने घर बैठे ऑनलाइन इसमें अप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब हम एग्जाम की बात करते हैं तो वहाँ दोस्तों निश्चित रूप से आपका कोविड-19 समस्या पैदा कर सकता है अगर स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है, तो इसलिए आपकी एग्जाम डेट को पोस्टपोन किया जा सकता है। बाकी अगर जैसी अभी वर्तमान में स्थिति चल रही है, अगर ऐसी स्थिति चलती रही, अभी वर्तमान में भी सामान्य स्थिति नहीं चल रही है, लेकिन चलो ऐसी स्थिति चलती रही तो आपका एग्जाम हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है तो आपको निश्चित रूप से एग्जाम डेट को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यूपी टेट की वैलिडिटी को लेकर। जैसा कि आपको हाल ही में पता चला होगा, आपके सुनने में आया होगा कि सी टेट की वैलिडिटी को 7 साल से बढ़ाकर लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया है, मतलब जो आप सी टेट क्वालिफाई करेंगे वो आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। तो इसी के चलते जब हम यूपी टेट की बात करते हैं तो यूपी टेट की भी आपकी वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए कर दी जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसमें ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, लोगों ने ज़्यादा हुआ बना रखा है भाई हमारी यूपी टेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगी, लेकिन एक बात को आप अच्छे से समझो। अब जिस उद्देश्य के लिए आप चाहे हम सी टेट की बात करें यूपी टेट की बात करें, जिस उद्देश्य के लिए आप इन परीक्षाओं को क्वालिफाई करते हैं वो उद्देश्य आपके पूरे नहीं होंगे तो इसकी लाइफ टाइम की वैलिडिटी का क्या आप अचार डालोगे क्या?
मतलब कि जब तक आपको परमानेंट रिक्रूटमेंट ही नहीं देखने को मिलेगी तो इस यूपी टेट या फिर सी टेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने का फायदा क्या। चाहे आप अपनी कितनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिए, कितने एग्जाम आप कंप्लीट कर लीजिए, जब तक आपको परमानेंट रिक्रूटमेंट ही नहीं देखने को मिलेगी जिसके लिए आपने सी टेट या फिर यूपी टेट को क्वालिफाई करा है, तो फिर इन एग्जाम या फिर इन परीक्षाओं को क्वालिफाई करने का फायदा क्या होगा, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। अब मानकर चलो एक गांव है और वहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, जितने भी गांवों में घर हैं उनमें सब में ना पंखे बंटवा दिए, फिर कूलर बंटवा दिए, ठीक है। अब कूलर तो उन्होंने बंटवा दिए, पंखे तो उन्होंने बंटवा दिए, लेकिन उस गांव में बिजली ही नहीं आती, यानी कि लाइट ही नहीं आती। हफ्ते 10 दिन में एक बार बिजली आती है, तो इस सिचुएशन में उन पंखों और उन कूलर का फ़ायदा क्या होगा। जब वो चलेंगे नहीं, उन्हें चलाने के लिए तो दोस्तों बिजली की ज़रूरत है और बिजली तो गाँव में आती ही नहीं है, तो ऐसे पंखे और ऐसे कूलर का क्या करेंगे जो वैसे के वैसे ही रखे रहेंगे। हवा तो उन्हें बिजली से करनी पड़ेगी क्योंकि लाइट नहीं आ रही। तो ऐसी सिचुएशन हमें इसमें यूपी टेट की वैलिडिटी को देखने को मिल रही है, ठीक है। आप यूपी टेट या फिर सी टेट क्वालिफाई तो कर लोगे, लाइफ टाइम के लिए आपका वैलिड भी रहेगा, लेकिन जब परमानेंट रिक्रूटमेंट ही नहीं निकलेगी तो इन एग्जाम या फिर इन परीक्षाओं का फायदा ही क्या होगा। तो गवर्नमेंट को इन बातों पे सुधार करना चाहिए। चलो अच्छी बात है, आपकी टेट वैलिडिटी को लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों जिसके लिए टेट परीक्षा क्वालिफाई की उसमें भी तो सुधार होना चाहिए ना। अब धीरे धीरे हमें परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। जब हम उत्तर प्रदेश की ही बात करते हैं तो इसमें 2016 के बाद अब आपको टीजीटी पीजीटी के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिली है। तो आशा करते हैं गवर्नमेंट से धीरे धीरे हालातों में सुधार कर दिया जाएगा। धीरे धीरे आपको हर साल या फिर 2 साल में एक बार निश्चित रूप से आपको परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिलनी चाहिए। और बाकी दोस्तों जैसे इनके फॉर्मूले होते हैं, जैसे ये बातें कहते हैं कि हमें 25 से 30 बच्चों पर एक शिक्षक चाहिए, तो उसे भी ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा भी कर ले तो काफ़ी ज़्यादा पदों पर आपको परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाए। और दूसरी तरफ जो गेस्ट टीचर या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की जो स्कीम होती है उसे इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, तो आपको निश्चित रूप से फिर परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों बातें कहने की अलग होती है, गवर्नमेंट इसको फॉलो करे वो बात अलग हो जाती है। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में आपसे इतनी चर्चा करनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद है फटाफट से वीडियो को लाइक करें। अगर आप एक शिक्षक हैं या फिर भावी शिक्षक हैं तो निश्चित रूप से आपका हमारे इस एस्कासियन यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा चैनल केवल शिक्षकों के लिए ही है। तो मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।